जय माता की। कैसे हैं आप लोग? मैं शीला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम चल रहे हैं कद्दू के पत्ते का रिकवच रोल बनाने। यहाँ पर हम कद्दू का पत्ता ले लिए हैं, ये अच्छी तरीके से साफ करके धुल लिए हैं, और जिसका डंठल जो मोटा मोटा है साइड में, इसको हम चाकू से निकाल लिए हैं। ये देख लीजिए, पूरा पत्ता हम इस तरीके से कर लिए हैं, जो डंठल मोटा मोटा है उसको निकाल लिए हैं। सामग्री के लिए हम यहाँ पर बेसन ले लिए हैं, चावल को भिगा कर हम रख लिए थे उसको सिलबट्टे पर पीस लिए हैं, कुछ मसाले हम यहाँ पर पीस लिए हैं, यहाँ पे जीरा मरीच मिर्चा और लहसुन पीस लिए हैं। तो सामग्री हम डालते जाएंगे और वीडियो में आपको बताते जाएंगे, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। हम हल्दी मिला रहे हैं, यहाँ पे हींग मिला रहे हैं, ये जिसे गानी बोला जाता है, इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम सूखा लाल मिर्च डाल रहे हैं, मिर्च पाउडर है ये। ये जो मसाले हैं उसको डाल दे रहे हैं हम। चावल काटा जो हम पीस के रखे हैं उसको डाल दे रहे हैं। टेस्ट के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इस तरीके से इसको मिलाते जाएंगे। हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये जो रिकवच रोल है बहुत ही अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, आप चाहें तो हाथों से भी मिला सकते हैं। तो हमको ना पतला ना मोटा नहीं बनाना है पेस्ट इसका, हमको एकदम मीडियम का पेस्ट बनाना है, ताकि पत्ते पे हम इसी अच्छी तरीके से मिला सकें। तो हमारा पेस्ट बैटर को हम बना लिए हैं, ये देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। हमको इसी तरीके से बैटर चाहिए। हम यहाँ पर एक थाली ले ली है, उसको उल्टे साइड में रख दिए हैं, और इस तरीके से हम पत्ते को लेंगे, ये देख लीजिए, ये भी पलटा, जो पत्ता है हमारा उल्टा है, उल्टे पत्ते पर हम बैटर को इस तरीके से मिलाते जाएंगे चम्मच की हेल्प से। हम बैटर को मिला लिए हैं, फिर दूसरा पत्ता लग रखेंगे इस पर इस तरीके से, उस पर भी इसी तरीके से मिलाते जाए, दूसरे पत्ते पे भी हम मिला लिए हैं, फिर तीसरा पत्ता लगाएंगे इस पर इस तरीके से, इस पर भी इसी तरीके से हम मिलाते जाएंगे। हम तीसरे पत्ते पर भी मिला लिए हैं, इसी तरीके से हम चार पांच पत्ते पर मिला लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इसी तरीके से हम एक के ऊपर एक करके लेयर लगा लिए, एक पत्ते के ऊपर एक पत्ता रख करके, ये देख लीजिए। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और इधर से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर एक बार हम बैटर को लगा लेंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए। अब इसको हम फोल्ड करते इस तरीके से फोल्ड करते हम इसको रखेंगे, इस तरीके का सीख से हम इसको टक्कर देंगे यहाँ पर, ये देख लीजिए।
तो ये देख लीजिए हमारा कद्दू के पत्ते का रिकवच रोल बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम एक और रिकवच रोल बना लिए हैं। तो एक पहले बना लिए थे, एक ये है दूसरा रिकवच रोल है। इसमें हम धागा से इसको लपेटेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम धागा लपेटते जाएंगे तो ये पत्ता है खुलेगा नहीं हमारा। ये देख लीजिए, तो हम इसमें धागा लपेट दिए हैं। अब इसको हम रखते हैं यहाँ पर। हमारा दो रोल तैयार हो गया है। भगोने में रख दिए पानी गर्म होने के लिए। हमारा पानी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। हम ढक्कन को हटा लेते हैं इस तरीके से। ये देख लीजिए, इस पे ये जो छेद वाली थाली होती है उसको हम रख दिए हैं। हम इस पे इसी पका लेंगे। तो हम रोल को इसमें डालते हैं इस तरीके से। अब इसको इस थाली से हम कवर करके अच्छी तरीके से भाप में हम पका लेंगे। तो ये देख लीजिए, हमारे भगोने में से भाप साइड से निकल रहा है। तो हमको इस पे प्रेशर देने के लिए सिलबट्टे का ये जो दूसरा पार्ट होता है उसको रख देंगे ताकि हमारा भाप इसमें से कम निकले और जल्द से जल्द हमारा। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम चाकू से इस तरीके से तो ये रिकवच रोल हमारा अच्छी तरीके से हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और फिर इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं 15-20 मिनट के लिए। फिर काट के आपको दिखाते हैं। ठंडा हो गया है, इसका धागा हम निकाल लिए हैं। अब इसको हम काट लेते हैं चाकू से। इस तरीके से हम पूरा काट लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इस तरीके से हम पूरा एक एक करके काट लिए हैं, ये देख लीजिए। और ये जो पार्ट होता है साइड वाला, ये खाने में और टेस्टी होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मसाला लगा होता है। ये दोनों साइड वाला है, ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और हम पहले ही वीडियो में बना चुके हैं इसके पत्ते का सब्जी, कद्दू के पत्ते का। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके सब्जी में डाल सकते हैं, सब्जी इसका बना सकते हैं, सब्जी भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जो हम पहले सब्जी वाला वीडियो बनाए कद्दू के पत्ते का, काफ़ी लोग उसको बहुत पसंद किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलते हैं, अब इसको हम फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम। गैस पर हम तवा रख दिए हैं और इस पर हम रिफाइन ऑयल डालते हैं। आप चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं इसको। तो तेल को हम इस तरीके से फैला लेते हैं। तो इसमें एक एक करके हम डालते जाएंगे, इस तरह साइड में करते जाएंगे। तो ये देख लीजिए, हमारा रिकवच अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। ये देख लीजिए, हम तवे पर फ्राई किए हैं। तो अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको। हमारे वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए, हमारा रिकवच रोल अच्छी तरीके से बन के रेडी हो गया है। हम इसको सॉस के साथ सर्व किए हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।